हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्री स्ट्रोलर। तो आज हम आए हैं हम्पी के थर्ड पार्ट में और इसमें आपको दिखाएंगे पूरा हम्पी और विरूपाक्ष टेंपल, जो कि बहुत ही फेमस टेंपल है हम्पी का। उसके अंदर पूरा घूमे हैं। इसके अलावा हम लोग तुंगभद्रा नदी घूमे, वो पूरा तुंगभद्रा नदी दिखाएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे। तो बने रहिए और स्टार्ट करते हैं यू न्यू ब्लॉग। तो देख सकते भाई, ये विरूपाक्ष टेम्पल है, जो कि ये रहा आपको दिखाते हैं। ये विरूपाक्ष टेम्पल है और जो एक शिला नंदी है और ये अच्युत राय मंदिर टेम्पल, ये उस साइड है, इधर की तरफ इशारा कर रखा है। तो हम लोग चलते हैं, ये मंदिर में एंट्री होते हैं। तो गाइस, हम लोग निकलते हैं और चलते हैं अंदर। ये है टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, अंदर चलते हैं, देखते कैसा है। लगभग लगभग सभी टेम्पलों में मोबाइल वोबाइल ले जाना मना है, शायद इसमें भी मना है। तो देखते हैं अंदर ले जाने देते कि नहीं देते, और कैमरा भी शायद मना ही होगा। तो देखते हैं हम। शायद गार्ड खड़ा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस, टेंपल में खैर फ़ोन तो ले जा सकते हैं, कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट फ़ोन से कोई भी फोटोग्राफी करना नॉट अलाउड है, वरना 500 रुपये फाइन है। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने की वीडियो, जितना हो सकता है। यहाँ पर एक हाथी भी है जो कि टेम्पल में घुसते ही आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे मतलब एक पंडित रहेगा जो लोग वो हाथी की मतलब कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ लोग आते हैं, इसे केला खिलाते हैं, हाथी को गन्ना खिलाते हैं ताकि, और ये आशीर्वाद दे सके, वो पैसे लेके आशीर्वाद देता है। हालांकि पर अच्छा लग रहा है हाथी को देख। ये है विजयनगर के महाराज राजा कृष्णदेव राय, जो कि मदुरई से है और अभी मंदिर के अंदर है। मैं आपको वीडियो कैमरा में दिखा पा रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं बहुत है, पूरा मीडिया आइडिया सब आया था, बहुत आए थे। मैं इनके साथ, इनके बहुत ही करीब था इनके साथ, मतलब पूजा वूजा की, पर अंदर मैं आपको दिखा नहीं सकता कैमरा से, बट और मैं उन्हीं के साथ पूजा किया। वो दोनों मेरे साथ वाले थे, वो पीछे ही रह गए, पता नहीं कहाँ के साइड, पर अच्छा हुआ जो भी हो गया। पर मैंने अच्छा लगा कि मैं उनके साथ रहा और पूरी पूजा वूजा की, उन्होंने हर मंदिर में गए दर्शन किए, मैंने भी उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड होने की कोशिश की और पूरे दर्शन किया। और ये मंदिर में, विरूपाक्ष मंदिर में कैमरा ले जाना मना है, तो इसलिए मैं कैमरा नहीं ले जा पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं अभी बाहर आ गया हूँ, तो आपको अंदर का पूरा सीन तो दिखा नहीं पाऊँगा, बट कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिखा पाऊँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भैयों, हम लोग आ गए तुंगभद्रा नदी पर, और ये नदी के पीछे ये मंदिर है और सामने में ये नदी है। मैं आपको नदी दिखाता हूँ, हम लोग नदी पर पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, यही है तुंगभद्रा नदी, नीचे उतर रहे हैं हम लोग और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम भी सही है, फुल मजे लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देख रहे बड़े बड़े विशाल के पत्थर हैं, अंदर में देख सकते हैं वो मॉन्यूमेंट सभी बन रखे हैं अंदर में भी, और देख सकते हैं पूरे पहाड़ों के बीच बीच नदी जा रही है तुंगभद्रा नदी। बस ये मंदिर से मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पर है, आप आ सकते हैं। मंदिर के पीछे में ही एक तालाब होगा, तालाब के जस्ट आगे में मंदिर, वो ये तुंगभद्रा नदी है,
इसकी भी एक कथा मैं बाद में बताऊंगा। ये देखिए तुम बदरा ने तो हम लोग नहा लिए, मतलब नहाए नहीं, मतलब मुंह धो लिए। पीछे देखो संडी फैले पड़े हैं, इंदर कतई नहाने की सोच रहे थे, आ रहे थके। तो अब हम लोग तुम बदरा नदी से निकल गए और आगे तालाब में जा रहे, तालाब का शो करते हैं आपके सामने। मैं वापस आ गया क्योंकि मैं दोबारा आ गया तो मुझे नहीं थी क्योंकि मेरा चश्मा छूट गया था उस वजह से। तो वापस आया मैं लेने, दौड़ते ये चश्मा लगाया मैंने। तो चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको तो मालूम ही है चश्मे करे ढाई फाई है। तो चलते हैं वापस अपने दोस्तों के पास, वो इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर मिलते हैं। तो यही है मन्मत हुंडा तालाब, जो मन्मत कुंड नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं ये मंदिर है, मंदिर के जस्ट बगल में ही मन्मत तालाब है और ये सामने में उस साइड में सामने में नदी है जो कि हमारी तुंगभद्रा नदी है। इसकी एक विशेष बहुत विशेष कथा है आपको बताना चाहूँगा। इसकी एक विशेष कथा है मैं बताना चाहूँगा कि जब शिव जी हेमकुट पर्वत पर तपस्या कर रहे थे उसी समय एक मन्मत हुंडा नाम के राक्षस ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की। इसी से क्रोधित होकर शिव जी ने अपनी तीसरी आँख कहीं पर खोल दी थी और तीसरी आँख खोलते ही उन्होंने मन्मत को भस्म कर दिया था। पर भस्म करने के साथ साथ वहाँ वो हेमकुंड के पर्वत की जो चट्टाने वो पिघल गई थी और वो एक जगह वो चट्टाने पिघल कर एक तालाब से जा मिली और उसी से वो ये कुंड प्राप्त हुआ, ये कुंड बना। और सुनने में ये भी आता है जब हमारे जो बगल में नदी है 300 मीटर की दूरी पे, ये आपका तुंगभद्रा नदी जबकि इसका जल स्तर बढ़ जाता है तो और ये जब तालाब में के पानी में से मिल जाता है तो लोग यहाँ पे आपके यहाँ पर आकर डुबकी मारते हैं। कहते हैं कि उस टाइम डुबकी मारने से आपको अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो लोग यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है जब यहाँ पे उफान पे रहती है नदी, जब हमारी तुंगभद्रा वो तालाब में जुड़ जाती है तब जाके यहाँ पे लोग डुबकी मारते, काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे। उस टाइम कहते हैं जो नहाता है जो स्नान करता है उस टाइम तो उसे अपने पापों की मुक्ति मिल जाती है, यहाँ पे प्राप्त हो जाती है, यहाँ के लोगों का मानना है। और शिव जी ने यहीं पर तीसरी आँख खोल कर उसको भस्म किया था और उसकी चट्टान पिघलने से तालाब बना था, तो तभी इसका नाम मन्मत कुंड है। तो ये बहुत बहुत प्यारी कथा है और ये पूरा ये आपके मेन हम्पी मंदिर से जस्ट बगल में ही है। यहीं पे ये इसी जगह पर बहुत जगह यहाँ पर अच्छी अच्छी जगह हैं, मैं आपको फर्स्ट से दिखाता हूँ सुनाता हूँ। पहली कथा यहाँ पे प्रचलित है जो मातंग पर्वत है, उसकी कथा मैंने बताया आपको, उसकी भी एक कथा है मैं बार बार बताऊँगा इसके बारे में। साथ ही साथ ये मंदिर के बगल में ये कुंड है, इसकी भी कथा है। यहीं पर शिव जी और पार्वती जी की का विवाह हुआ था यहीं पर ही, और यहीं पर शिव जी ने बहुत तपस्या की थी, यहीं पर पार्वती ने भी तपस्या की थी शिव जी को पाने की। यहाँ पे तो देख सकते हैं बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ सभी देवी देवताओं की, तो देख सकते हैं आप काफ़ी प्यारी मूर्तियाँ हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सासू विकालू गणेश जो कि हेमकुटा पर्वतों के थोड़ा पीछे ही है और हम उसी रास्ते पे हैं, तो मैं अब आपको ले चलता हूँ सासू विकालू गणेश। देखिए आप ये रास्ता जा रहा है और ये जो चार दीवारी टाइप का दिख रहा है यही है सासू विकालू गणेश जो यहाँ का काफ़ी ज़्यादा प्रमुख केंद्र है और टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है बहुत ज़्यादा ही। इसमें बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, इसने बनाया ये हुआ वो हुआ, अब मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ भी वही फिसलन है तो देख के चलना पड़ता है थोड़ा नीचे देख के। यहाँ बाउंड्री भी, हमने अब सासू विकालू गणेश को पूरी तरह से एक्सप्लोर पूरा कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन है और काफ़ी देर से हम चल रहे हैं, हमारे जूते की ग्रिप भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है, सो हम देख दाख के चल रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, जूता दूसरा भी लाया, स्टॉक में रखे हैं। एक और जूता है लेकिन जब तक ये वाला फट ना जाए जब तक उसे क्यों निकालना। चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बैक साइड का रोड कैसा है यहाँ का। यही है फिसलन, जो भी है यही फिसलन है, इसमें जो भी बंदा पड़ा वो एक याद लेके जाएगा यहाँ से तगड़ी। वो याद मैं बताना चाहूँगा
जो मेरे बगल में चल रहे हैं ना सन्नी पोदार और ये इंदर, कल सन्नी के पोदार का बताया था आपको, सन्नी पोदार चट्टानों पे बड़ा उछल रहे थे, कह रहे थे एक ही कदम की बात है, एक ही कदम में लफड़ा हो गया और वो गिर चुके, और अभी इंदर देख रहे ना पैंट चेंज कैसे हो गई, इतिहास दोहरा गया, इतिहास दोबारा दोहराया गया कल का। और पैंट चेंज का हर चीज़ के पीछे कारण होता है, इनका पैंट चेंज होने का कारण है, ये भी फोटो वोटो लेते लेते ये भी फिसल गए, ये भी पहले पड़े, पर कितना है दोनों में कि सन्नी के गिरने में एक परिवार देखा था पूरा सदा, और इंद्र के गिरने में 8-10 परिवार लोग हंसते थे, और ये हंसी का पात्र बना उनकी, तो ये एक्साइटमेंट वाली बात है कि दोनों गिर गए और आपकी दुआ से मैं ठीक हूँ अभी और चल रहा बढ़िया वाला, इतिहास दोहराएगा, नंबर आएगा जरूर आएगा, यहाँ नहीं तो चैट रोड पे आएगा, नहीं आएगा तो जबरदस्ती गिराया जाएगा। तो अभी बेस्ट चल रहा है, बेस्ट सीन ये कि दोनों गिर चुके हैं और दोनों का दब के छाप पड़ रही है, और अभी हम जा रहे हैं चैट रोड की तरफ, हाँ। 50 का नोट भी ले लिया है मैंने, खुला करवा लिया है, और वहाँ पर दिखाएंगे आपको पूरा सीन, तो मिलते हैं वहीं पर। तो भाइयों 280 मीटर की दूरी थी और शॉर्टकट अपनाया गया यहाँ से, चौबे द्वारा निकाला गया है शॉर्टकट, 280 मीटर की दूरी कम से कम 2 मीटर में ही समाप्त हुई, हम चैट रोड के अंदर सीधा घुस चुके हैं। हर जगह शिलालेख पड़े हैं यहाँ पे, हर जगह, वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है यहाँ पे हम्पी। यहाँ क्या फिसलन है, अब तो देखो फिसलन रहेगा, इधर रह जा, आइयो इधर अंदर आइयो, इधर रह जा। तो भाइयों अब हम पूरा चैट रोड पहुँच चुके हैं, ये एंट्री गेट है जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है पूरा, इंदर एंट्री गेट से हमारे आगे आगे चल रहा है और हम भी चल रहे हैं एंट्री गेट पे और चलते हैं अंदर चैट रोड का दर्शन करते हैं। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से, थोड़ी सी रिपेयरिंग भी चल रही है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनाया गया है, पत्थरों से नक्काशी करते हुए हर रेलिंग पे, इस साइड भी है। तो भाइयों यही है कृष्णदेव टेंपल, और ये हम आ गए हैं कृष्णदेव टेंपल के अंदर, और काफी मजा आ रहा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है ये टेंपल, चारों तरफ इसके बाउंड्री करी गई है, उन्हीं सेम पत्थरों से बने गए, वो नक्काशी वाले जो होते हैं उन्हीं नक्काशी वाले पत्थरों से बनाए गए और चारों तरफ बाउंड्री करी गई है कृष्णदेव टेंपल। इसके ऊपर का हिस्सा कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कोई फोटोग्राफी और कुछ भी प्रोहिबिटेड नहीं है, जो लेना है ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, और टिकट विकट भी कुछ भी नहीं है, हाथी टाइप के बने हुए हैं। तो भाई और एक सबसे अच्छी बात ये है इसकी, पूरे हम्पी की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं भी जाने के लिए कोई टिकट नहीं है, फ्री बिंदास घूमो पूरे हम्पी में, कहीं भी जाइए पूरे हम्पी में, जाने के लिए कोई टिकट नहीं, कुछ भी नहीं। बेंगलोर पैलेस हम गए थे, वहाँ 700 रुपये करीब का हमारा टिकट लगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो भैया यही था कृष्णदेव टेंपल, जो कि बिल्कुल खाली सा पड़ा हुआ है, बिल्कुल वीरान सा, और बाकी पूरा आपने देखा आर्किटेक्चर जो उन्होंने कलाकृति की है, बहुत तगड़ी कलाकृति की है, जैसा कि सन्नी ने आपको बताया
इसकी तारीफ की, इसके मतलब जो पत्थर है देख रहे हैं आप, बहुत पुराने टाइम के हैं जो कि अभी तक चल रहे हैं। कुछ जगह कुछ चीज़ खराब हो चुकी है, उजड़ चुकी है, बट अभी भी देख सकते हैं कि 2021 चल रहा है और अभी तक ये ख़त्म होने पे आ गया 2021 वो भी, और ख़त्म होने पे उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ का पत्थर भी टस से मस नहीं हो रहा, बंदे यहाँ पे फिसल रहे हैं। अब सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितनी मजबूती है, और जगह देखते हैं हम हम्पी में पूरा, और आपको पूरा मुआयना करेंगे। तो गाइस आज का वीडियो हम अभी एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अगले ब्लॉग में पूरा मातंग पर्वत। आप सोच रहे हैं मातंग पर्वत क्या है? मातंग पर्वत बाली को जहाँ शराब मिला था तो वह जगह है, और आपको पूरा पर्वत के ऊपर चढ़ेंगे, एक एक जगह मुआयना कराएंगे। उसके अलावा हम जाएंगे स्टोन चैरियट, जो कि आप 50 के नोट में है ना, 50 के नोट में वही फोटो है भाई, तो सबसे मेन अट्रैक्शन है एमपी का। तो आपको अगर नहीं भी मालूम तो 50 का नोट खोल के देख लो, जो उसमें होगा वही जगह जाएंगे और उस जगह पर पूरा एक्सप्लोर कराएंगे, वो हमारा लास्ट वीडियो होगा। तो एक एक चीज़ आपको एक्सप्लोर कराएंगे, तो लास्ट वीडियो अंत तक देखना भाई, और तब तक बने रहो हमारे साथ। तब तक आज का वीडियो हम अभी एंड करते हैं, और इसके लिए अगले वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वीडियो कोशिश करिए पूरा देखिए, वीडियो जितना पूरा देखोगे उतना मजा आएगा गाइस, फुल मजे लिए हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं हम, जय हिंद।